सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया, उनकी बड़ी कार्रवाई दिखाई दी है। तबादलों में मनमानी पर वित्त विभाग के निदेशक को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में मनमानी पर बड़ी कार्रवाई की है। निदेशक संतोष अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 456 तबादलों में स्थानांतरण नीति का पालन न करने का आरोप है इनके ऊपर। शासन ने सभी तबादलों पर फिलहाल रोक भी लगा दी है। निदेशक संतोष अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया। लखनऊ से खबर है जहां केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के पत्र का समय से जवाब ना देने पर सीएम नाराज है। मुख्य सचिव ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री और सचिव के पत्रों की समीक्षा कर जवाब देने का निर्देश भी दिया है। सभी प्रकरण की सुनवाई कर 15 दिन में मुख्य सचिव को जानकारी देने के निर्देश हैं। और इसके अलावा लखनऊ से खबर है, यूपी में 6 से 14 वर्ष की बेटियों को स्कूल से जोड़ा जाएगा। मिशन शक्ति के तहत सभी बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। 14 साल तक की सभी बेटियों के दाखिले का खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापकों को प्रमाण पत्र देना होगा। यह महत्वपूर्ण बात, मिशन शक्ति के तहत किया जा रहा है, 6 से 14 वर्ष की बेटियों के लिए होगा स्कूल से जोड़ने का यह प्रयास, और यह सराहनीय प्रयास, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। खबर कानपुर से है, एसएनके पान मसाला के मालिक की गिरफ्तारी की खबर मिली है। डीजी जीएसटीआई मेरठ की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। मालिक नवीन कुरेले और निदेशक अवनीश मोदी को गिरफ्तार किया गया है। 70 करोड़ के टैक्स चोरी का यह मामला जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है। कुछ दिन पहले ही आईटी की टीम ने छापेमारी की, 400 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे और कुल 70 करोड़ का टैक्स बकाया था। इसी के मद्देनजर ये गिरफ्तारी हुई है। और खबर गाजियाबाद से आ रही है, लगातार वैक्सीनेशन में कमी आ रही है। कई सेंटर्स पर 2 घंटे में ही वैक्सीन खत्म हो गई, लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए वापस जाना पड़ा है। तो ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। गाजियाबाद से खबर है, कई सेंटर्स पर सिर्फ 2 घंटे में वैक्सीन खत्म हो गई, जो लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे उन्हें पेरेंट वापस लौटना पड़ा। उधर मुरादाबाद में देर रात दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सीतापुर से हरियाणा कामगारों को ले जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर लगे साइड बैरियर को तोड़ती हुई सड़क के नीचे कई फीट नीचे जाकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक बस में लगभग 100 से ज्यादा लोग सवार थे। पलटने के हादसे की जब सूचना मिली तो मुरादाबाद पुलिस हरकत में आई। यहां गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। घटना में 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं। आनन फानन में मुरादाबाद रामपुर के कई जिला अस्पतालों में इन्हें भर्ती कराया गया। इधर गाजीपुर में बाढ़ और बारिश की वजह से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि रेवतीपुर ब्लॉक के कई गांवों में ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास कम से कम 50 से 100 तक जानवर हैं और उनका दूध बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से उन्हें अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुँच गए हैं, और ऐसे में वो जो चारा लेकर आए थे वो खत्म होने के कगार पर है। साथ ही उन लोगों का भोजन भी खत्म होने को है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की मदद अब तक नहीं पहुंच सकी। बलिया में प्रशासन भले ही बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों के लिए व्यवस्था मुकम्मल किए जाने का दावा कर रहा हो, मगर इस बार नदी में आई बाढ़ ने गांव के लोगों के घरों को तबाह कर दिया है। और किस तरीके का ये तबाही का मंजर है देखिए। ये बैरिया तहसील क्षेत्र है, गोपालपुर ग्राम पंचायत के उरई छपरा गांव में बाढ़ का स्वरूप देखिए। तबाही की तस्वीरें दर्द समझने के लिए काफी हैं। उनकी पीड़ा जानने के लिए ना तो प्रशासन पहुंचा ना ही अधिकारी पहुंचे हैं, और यहां पहुंचना आसान भी नहीं है, लेकिन यहां लोग हैं परेशानी में, है मुश्किल में।